नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल ओ एम जी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। पहले तो बात करते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते क्या है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वो होते हैं, वो आईपी एड्रेस होते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल लेबल देते हैं हर एक डिवाइस को जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होकर कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मैसेजेस करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, तो हम उनको एक एड्रेस देते हैं। ये आईपी एड्रेस एक आईडी कार्ड की तरह यूज होता है फॉर ए स्पेसिफिक मशीन, एक स्पेसिफिक मशीन के लिए वो जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहा है। इसको हम आईपी नंबर या इंटरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं IPv4 और IPv6 की। दोनों ही जो है वो आईपी के वर्जन्स हैं। अब बात करते हैं IPv4 की। IPv4 फर्स्ट वर्जन है आईपी का जो कि हम यूज में लेते हैं। ये ARPANET ARPANET ने बनाया था जो कि 1983 के अंदर यूज होने लगा था। आज के टाइम के अंदर आईपी का ये वर्जन बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्जन है। ये क्या करता है, डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है किसी नेटवर्क के ऊपर इसके एड्रेसिंग सिस्टम को यूज करके। इसका जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, मतलब कि इसके अंदर 2^32 एड्रेस जो है वो हो सकते हैं। मतलब कि 2^34 का हम बोल सकते हैं 4.29 बिलियन एड्रेसेस जो है इसके थ्रू बन सकते हैं। अब IPv6 की बात करते हैं। IPv6 जो है वो सबसे रिसेंट वर्जन है आईपी का अभी जो चल रहे हैं। इसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था 1994 के अंदर। ये एक 32 बिट बाइनरी वैल्यू है जो कि 32 हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर हमको दिखती है। इसको हम 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और इसके थ्रू हम 3.4×10^38 आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं जो कि एक फ्यूचर के लिए हमारे पास बहुत ही बड़ा सफिशियंट एड्रेस है फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए। चलिए अब इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। पहला डिफरेंस है IPv4 का जो एड्रेस लेंथ होती है वो 32 बिट की होती है, जबकि IPv6 के अंदर जो एड्रेस लेंथ होती है वो 128 बिट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 जो है वो सपोर्ट करता है मैनुअल एज वेल एज DHCP, मतलब कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन ये सपोर्ट करता है, जबकि IPv6 जो है वो ऑटो एंड रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है। ये चारों जो टॉपिक्स है, मैनुअल, DHCP, ऑटो एंड रीनंबरिंग, ये अभी हमारे बहुत दूर की चीजें हैं, इनको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 जो है वो एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी देने में नाकाम है, जबकि IPv6 जो है वो एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी हमको अचीव कराता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 की जो एड्रेस लेंथ होती है, जैसे कि हमने देखा था, वो होती है 32 बिट्स की। तो हम इसके अंदर से एड्रेस जो जनरेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 2^32 एड्रेसेस जो कि होते हैं अराउंड 4.29×10^9, मतलब 4.29 बिलियन एड्रेसेस स्पेस हम IPv4 के अंदर जनरेट कर सकते हैं, जबकि IPv6 के अंदर हमारे 128 बिट की तो एड्रेस लेंथ ही थी। तो हम इसके एड्रेस स्पेस कितने जनरेट कर सकते हैं, 3.4×10^38 जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक कंप्यूटर या फिर हर एक जो डिवाइस है उसको हम एक अलग से एड्रेस दे देते हैं जो कि बाद में कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 के अंदर क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल होंगे वही उसको अटैक होने से रोक सकते हैं। इसके अंदर कोई अलग से सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होता है, जबकि IPv6 के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec जो होता है वो इनबिल्ट होता है। तो ये हमारे एक सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है IPv6 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 का जो एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेसिमल्स के अंदर होता है। इसके अंदर जो भी नंबर लाए करते हैं वो जीरो से लेके
9 के बीच में लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 192.168.1.45। ये क्या है, सारे नंबर्स जो है वो डेसिमल्स में है, जबकि IPv6 के अंदर क्या होता है, इसका एड्रेस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। मतलब कि इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, अल्फाबेट भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है 50B1405520A6, फिर बीच में जैसे कॉलन है लगातार, मतलब कि इसके बीच में चार जीरोस हैं 0000, फिर नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है 00006478:5400:4CD0। ये हमारा एक एड्रेस हो गया हेक्साडेसिमल के अंदर IPv6 का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो सेंडर की वजह से भी होती है और फॉरवर्डिंग राउटर्स की वजह से भी होती है, जबकि IPv6 के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है वो केवल सेंडर की तरफ से आती है, आगे कोई भी इसका फ्रेगमेंटेशन का जो है वो नहीं होता कोई भी सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर क्या है, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, मतलब कि कौन सा पैकेट कब जाएगा वो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जबकि IPv6 के अंदर क्या होता है, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब कि पहले कौन सा पैकेट जाएगा, फिर कौन सा पैकेट जाएगा या कौन सा पैकेट चला गया वो हमको पता रहता है। ये सब चीजें जो है वो हम हेडर के अंदर पहले से ही डाल देते हैं कि कौन सा पैकेट पहले जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर जो है एक चेकसम फील्ड होता है जो कि डाटा चेंज होने से हमको बचा सकता है, करप्ट हो जाता है कहीं पे डाटा, तो IPv4 के अंदर चेकसम फील्ड जो है वो इसको रिजोल्व करने में बहुत काम आता है, जबकि IPv6 के अंदर चेकसम फील्ड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर हम ट्रांसमिशन के लिए हम ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, जबकि IPv6 के अंदर हम ट्रांसमिशन स्कीम्स कौन कौन सी होती है, मल्टीकास्ट होती है और एनीकास्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, ये प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि IPv6 के अंदर इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों ही IPv6 प्रोवाइड करता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, किसी भी डाटा को किसी और फॉर्म के अंदर भेजना और फिर वहां जाके वो उसको डिक्रिप्ट कर देता है, मतलब कि वापस उसी फॉर्म के अंदर ले आता है। और ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को, जो भी पर्टिकुलर कंप्यूटर है उसको एक आईडी दी जाती है कि उसी आईडी के ऊपर वो है जो मैसेज जो भेज रहा है, जो जा रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हमको देता है, उसी ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम हमारा लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 की जो हेडर लेंथ होती है वो 20 से लेके 60 बाइट्स के बीच में वेरी करती है। IPv6 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 40 बाइट्स का हेडर जो है वो फिक्स्ड होता है, मतलब ये कहीं भी वेरी नहीं करता है, इसके अंदर फिक्स होता है 40 बाइट्स का हेडर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 MAC एड्रेसेस को मैप करने के लिए ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, जबकि IPv6 MAC एड्रेसेस को मैप करने के लिए NDP नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल को यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, IPv4 के अंदर क्या होता है, जो भी डिजिट्स होती है हमारी वो सेपरेट करने के लिए हम उसको डॉट ऑपरेटर, जो फुल स्टॉप जो आता है उसको यूज करते हैं, जबकि IPv6 के अंदर हमारी बाइनरी डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी हम इनको बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्शन फील्ड जो होता है IPv4 के अंदर, उसको IPv6 के अंदर एक्सटेंशन हेडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टाइम टू लीव फील्ड जो होता है IPv4 के अंदर, उसको हम IPv6 के अंदर होप लिमिट के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर IPv4 के अंदर जो हेडर लेंथ फील्ड होता है कि इसकी हेडर की लेंथ कितनी है, वो IPv6 के अंदर हटी जाती है, क्योंकि इसके अंदर पता होता है हमको कि इसकी हेडर की जो लेंथ है वो फिक्स है, 40 बाइट्स की जो है वो फिक्स है, तो ये वेरी करती ही नहीं है। IPv4 के अंदर वो वेरी करती थी 20 से लेके 60 बाइट्स के लिए, इसलिए हमको पता रखने के लिए कितना बाइट्स का लेंथ है, इसलिए हम हेडर लेंथ फील्ड एक यूज करते थे।
जिसको कि IPv6 ने एलिमिनेट कर दिया। अब इसके हम डायग्राम्स देखते हैं। ये जो है IPv4 का हेडर है और ये जो है IPv6 का हेडर फॉर्मेट है। थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डिफरेंसेस या कोई और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।